Hello everyone, welcome back to Eat Learning Channel, and today we will discuss about microbes in human welfare. This is the 10th chapter of NCERT. तो जो आज का टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो BOD है. इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया. तो जो भी वाटर, मतलब जैसे कि आपका पॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है, तो ऐसी जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. कैसे, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. देन आफ्टर क्या, ऑक्सीजन क्या है, रिलीज होती है. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बीओडी टेस्ट मेजर द पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर. ठीक है, बीओडी टेस्ट मीजर कैसे होता है, जैसे कि वाटर कितना पॉल्यूटेंट है. जितना भी पॉल्यूशन होगा उतना ही क्या होगा, बीओडी क्या होगा, इंक्रीज होगी. ठीक है, फिर देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीओडी मोर देन पॉल्यूटेंट वाटर. देखिए, अभी मैंने बताया कि जितना ही वाटर पॉल्यूटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका बीओडी क्या है, इंक्रीज होता जाएगा. तो आप सीधे से ये बोल सकते हैं कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेडिमेंट ऑफ सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. तो जो भी, मतलब सेटलिंग टैंक मैंने बताया था जो प्राइमरी स्लज में आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा मोर नंबर ऑफ पार्ट जो है वो रिमूव किया जाता है, जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गई, मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसे रिमूव किया जाता है. ठीक है, इसमें सेटलिंग टैंक में. ओके, देखिए, अ पार्ट ऑफ इट यूज एन इनोक्रम इन एरेशन टैंक. तो बाकी का जो पार्ट होता है जिसमें कि एयर प्रेजेंट हो रही होती है, तो वो कौन सा था, सेकेंड वाला पार्ट. ठीक है, तो वो हो गया एरेशन टैंक. ठीक है, फिर देखिए, द रिमेनिंग पार्ट इन टू अ लार्ज टैंक कॉल्ड इज एनारोबिक स्लज. तो जहाँ पर जो कि लार्ज टैंक था, जहाँ पर एयर जो है एंटर कर रही थी विद द हेल्प ऑफ होल्स, दिस कॉल्ड इज एनारोबिक स्लज. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जब उसमें, मतलब जो बैक्टीरिया एंटर कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्लज. ठीक है, फिर देखिए, द एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ स्लज गेट किल्ड. तो जो भी, जब माइक्रोब्स जो है वो एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्स, तो जो भी स्लज होता है, मतलब जो भी बड़े बड़े से माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, कौन, छोटे से माइक्रोब्स उन्हें किल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर देखिए, एनारोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मास एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स ऑफ द स्लज. तो जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको, ऑर्गेनिक मैटर को. जो भी, मतलब कि जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वाटर में फ्लो कराई जाती है, जैसे कि हो गया जो कि वेस्ट मटेरियल वेजिटेबल्स के हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें डाल दिया जाता है वाटर में. ठीक है, तो अब उन्हें डिस्ट्रॉय करने के क्या करते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो माइक्रोब जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स में. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, मेथोनोजन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सी, जैसे मेथेन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ठीक है, द मिक्सचर कॉल्ड इज अ बायोगैस. तो ये जो तीनों गैसेस का मिक्सचर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोगैस. ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोगैस. नाउ वी आर कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दिस कॉल्ड इज अ रिवर एक्शन प्लान. ओके, इसको देखते हैं. Protection of major river of India. Protection of major river of India from seaweed pollution. The Ministry of Environment and Forest has initiated development of seaweed treatment plant under the National River Conservation Authority. Example Ganga and Yamuna. तो एक जो river action plan जो है वो उसमें क्या है, एक plan जो चलाया गया जो कि आप जो भी river है उसको clean करने के लिए. ठीक है, कि जो, मतलब जो भी सीवेज है उसको अच्छा, मतलब क्लियर कर, जो भी वाटर है, जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसको क्लीन करने के लिए ये एक्शन चलाया गया. ठीक है, तो ये क्या है, रिवर एक्शन प्लान. ओके, तो रिवर में क्या, रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सीवेज पोल्यूशन, मतलब इंक्रीज हो रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा क्या चलाया गया, फॉरेस्ट के द्वारा क्या चलाया गया, कि सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कि ऐसा प्लान चलाया गया कि आप, कि
जो रिवर है उन्हें क्लीन किया जाए, ठीक है। फिर देखिए बायोगैस के बारे में जानते हैं कि बायोगैस इज अ मेथड रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन ऑफ बायोमास विद हेल्प ऑफ मेथेनजन बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस एक ऐसा मेथड है जिस मतलब एक फ्यूल है जो मतलब फ्यूल वाली गैस है जो कि एज अ फ्यूल यूज की जाती है। मतलब वो कैसे होती है, तो एनारोबिक ब्रेकडाउन जब होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन फ्रॉम कैटल्स दिस कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ मेथेनजन बैक्टीरिया दिस कॉल्ड इज अ बायोगैस, ठीक है। इसमें देखिए बायोगैस इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स, मतलब जो बायोगैस अभी बताया था कि बायोगैस जो होती है वो किसका किन किन गैसों का मिक्सचर होता है, तो CH4 इज कॉल्ड मेथेन, तो जिसका जो पार्ट होता है पूरे बायोगैस का, तो कितना पार्ट होता है मेथेन का 50-70%, एंड CO2 का कितना पार्ट होता है 30-40%, एंड ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये बाकी का पार्ट हो गया, ओके। तो ये सारे मिक्सचर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, बायोगैस का, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि बायोगैस कैसे बनती है, ठीक है। देखिए उसी में नेक्स्ट पॉइंट है, बायोगैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ मेथेनजन बैक्टीरिया या फिर मेथेकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखें जैसे कि कोई कैटल है जैसे कि काऊ हो गया एंड बफैल हो गया, ठीक है। तो ये क्या ईट करते हैं, मतलब घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोज जब घास में होता है तो घास को जब ये लोग लेते हैं एज अ फूड, तो क्या होता है उसमें जो इनका जो मतलब जो इनका स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है, मेथेनजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेथेनजन बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। किसका डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज का। तो सेलुलोज किस में प्रेजेंट थी, घास में, ठीक है। तो घास जैसे ही उन्होंने ली तो सेलुलोज है वो उनके स्टमक में आ गया कैटल्स के, एंड स्टमक में जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कौन करता है, मेथेनजन बैक्टीरिया जो कि कैटल्स के स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर जब स्टमक में प्रेजेंट हो गए होते हैं तो जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन जब हो जाता है फिर उसका जब ये अपना जो क्या बोलते हैं अपना डंग जो है वो जब रिलीज करते हैं अपने, ठीक है। तो जब रिलीज करते हैं तो जब जो रिलीज करते हैं तो उसमें मेथेनजन बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं, किसमें, डंग में, ठीक है। तो जो डंग जब डंग में आ जाते हैं तो उससे आपके जो गैसेस होती है वो जो गैसेस निकलती है वो मेथेन की, तो उसे उससे आपका क्या बनता है, बायोगैस, ठीक है। क्या बनता है, बायोगैस, तो वही लिखा हुआ है। तो और उसके बाद जो जो उसका स्टमक होता है कैटल्स का, तो स्टमक जो होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें कि जो सेलुलोज उसका डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है, रुमेन पार्ट में, ठीक है। कौन से पार्ट में होता है, रुमेन पार्ट में, जो कि एक स्टमक का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पॉइंट ये देख रहे हैं कि बायोगैस प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन, ठीक है। क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, आप देखिए, और डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, मेथेनजन बैक्टीरिया या फिर मेथेनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। तो अभी मैंने बताया कि जो स्टमक का एक और मतलब जो स्टमक के तो कई सारे पार्ट होते हैं जिसमें कि रुमेन पार्ट में आपका जो है कैटल का जो सेलुलोज का डाइजेशन है वो होता है, ठीक है। तो अगर ये आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका जो सेलुलोज का डाइजेशन है वो रुमेन के कौन वो कैटल्स के कौन से पार्ट स्टमक के कैटल्स के स्टमक में कौन से पार्ट में होता है, तो आप क्या बताएंगे, रुमेन पार्ट में, ठीक है। क्या बताएंगे, रुमेन पार्ट में, ओके, क्योंकि वहीं पर आपका मेथेनजन बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ फूड ऑफ कैटल इन रुमेन पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो वही ये बताया गया कि सेलुलोजिक जो डाइजेशन होता है, क्योंकि फूड जो कैटल होते हैं वो फूड में क्या लेते हैं, ग्रास को लेते हैं, ठीक है। तो ग्रास को लिया, देन सेलुलोजिक जो है वह एंटर कर गया उनके किसमें, स्टमक में, देन उसका क्या है, रोमन पार्ट में, जो कि एब्डोमेन में है, तो एब्डोमेन के रोमन पार्ट में क्या है, डाइजेशन होता है किसका, सेलुलोज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेलुलोजिक डाइजेशन इज टेक प्लेस, वही बताया मैंने। फिर देखिए बायोगैस प्लांट, उसके अब देखिए बायोगैस प्लांट के बारे में देखते हैं। तो जो काउ या बफैलो का डंग होता है उससे आपका क्या प्रोड्यूस होता है, बायोगैस, ठीक है, ओके। अब देखिए बायोगैस प्लांट के बारे में समझते हैं।
consists of concrete and 10 to 15 feet deep, in which gas, bio waste are collected and slurry of dung is fed. तो जो ये देखिए आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वो पूरा जो मतलब आपके सॉइल होती है उसमें फिट रहता है, ठीक है, क्या ये बायोगैस का प्लांट जो है वो फिट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना होता है इसकी मतलब जो डीप होते हैं, कितने डीप में फिट रहता है, तो 10 to 15 feet में, ठीक है। फिर देखिए विच इज बायो वेस्ट आर कलेक्टर, तो एक साइड पर जो आपका पहला पार्ट दिख रहा है वहां पर क्या है, डंग को डाला जाता है, काऊ के डंग को, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, तो फिर उसके बाद उसके क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। किसको कवर कर देते हैं, एक जो एक पार्ट देख रहे हैं जहाँ पर आपका काऊ डंग डाला जाता है, तो उसे क्या करते थे, कवर कर देते हैं, ठीक है। विच कीप ऑन अराइजिंग व्हेन गैस इज प्रोड्यूस इन टैंक, तो अंदर ही अंदर जो है वो क्या होती है, बायोगैस जो है प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। क्योंकि इसके दो पार्ट एक पाइप देख रहे हैं, एक साइड से पाइप दिख रहा है जुड़ा हुआ और दूसरे साइड से जो गैसेस है वो निकल रही है, ठीक है। तो एक साइड जो आप क्या करते हैं, काऊ डंग को डाल देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको कवर कर देते हैं, देन आपका क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो गैसेस पर डे जो है बनती रहती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द बायोगैस प्लांट हैज अ आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द पाइप टू स्लरी बायोगैस टू नियर बाई हाउस, तो जो मतलब ये जो बायोगैस प्लांट होता है मेनली कहाँ पर होता है, विलेजेस में या फिर हाउसेस में, ठीक है, कहाँ पर होता है, विलेजेस में और हाउसेस में। तो अब इसका जो मतलब एक साइड क्या है, बायोगैस मतलब डंग डाल रहा है, देन आफ्टर क्या है, पाइप से क्या कनेक्ट होकर बायोगैस जो है दूसरे पार्ट में जा रही है, ठीक है। तो अब दूसरे पार्ट से वो जो बायोगैस है वो वहाँ पर कलेक्ट हो रही है, तो कलेक्ट हो रही है तो वहाँ से अब आपका क्या होता है, उसका यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बायोगैस प्योरली बन रही है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज कमीशन के YAC डेवलप्ड बायोगैस प्लांट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया क्या होता है, जैसे कि विलेजेस हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो इन्होंने क्या किया है, बायोगैस प्लांट लगाए हुए हैं जहाँ पर जैसे कि आप जो अदर गैसेस हैं उनका यूज कम करके बायोगैस का यूजेस कर सकते हैं एज अ खाना बनाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं, तो प्रोवाइडेड बोथ एनर्जी एंड मैन्यूल, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इज अ बायोगैस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बायोगैस इज अ स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए आप बायोगैस को स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, एंड विच कैन यूज मोर एफिशिएंटली इन इकोनॉमी के, और इसका यूज किस में कर सकते हैं, इकोनॉमिकली यूजेस में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी वैल्यू ऑफ बायोगैस इज लोअर दैन ऑर्गेनिक मैटर, तो जब एनर्जी वैल्यू बायोगैस की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, ऑर्गेनिक मैटर के साथ लो होती जाती है, ठीक है। अब देखिए बायोकंट्रोल एजेंट के बारे में देखते हैं, बायोकंट्रोल एजेंट रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मैथड, तो जो बायोकंट्रोल जो होता है एक प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल मेथड है फॉर कंट्रोलिंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी यूजेस ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो जो पहले जो बायोलॉजिकल मेथड होता है वो क्या होता है, प्लांट डिसीज और पेस्ट से होने वाली जो भी डिसीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, बायोलॉजिकल मैथड है किसका, बायोकंट्रोल का, तो बायोकंट्रोल में क्या होता है, जिसमें कि प्लांट डिसीज और पेस्ट से होने वाली डिसीज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इन अ मॉडर्न सोसाइटी यूजेस ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो मॉडर्न सोसाइटी में एक केमिकल का यूज करके, कई सारे केमिकल का यूज करके आप इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लिखा हुआ है दिस केमिकल आर हार्मफुल टू प्लांट ह्यूमन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, तो जो केमिकल हम यूज करते हैं तो वो कुछ प्लांट एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स और एनवायरमेंट के लिए क्या हार्मफुल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए पेस्ट एंड पैथोजन आर नॉट इरेडिकेटेड बट कीप एट मैनेजेबल लेवल्स बाई अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस एज ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, तो ये जो पेस्ट पैथोजन्स होते हैं ये मतलब काफ़ी सारे लोग वैसे हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, क्या होता है हार्मफुल नहीं होते हैं, और जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करें बस उसी को हार्मफुल करेंगे,
और किसी चीज को हार्मफुल नहीं करते, ठीक है। फिर देखिए, एन ऑर्गेनिक गार्डनर होल्ड द व्यू दैट इरेडिकेटेड ऑफ पेस्ट इन अनडिजायरेबल बिकॉज विदाउट देम अ बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइट ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन द फूड फूड वुड बी एनिहिलेटेड, ठीक है। जो भी मतलब जैसे कि हमारे कुछ मतलब जितने भी आपके पेस्ट एंड पैथोजेंस होते हैं वो सारे ही हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। क्या होता है, सारे ही हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, प्रेडेटरी जो कि मतलब कि आपकी क्रॉप को जो है डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, ठीक है। क्या है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रेडेटरी, ठीक है, प्रेडेटरी इंसेक्ट या फिर प्रेडेटरी बर्ड, ठीक है। और कुछ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि आपके फूड या फिर क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, जिसका जो गार्डनर होते हैं वो उनका यूज करते हैं, ओके। फिर देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, लेडी बर्ड बीटल इज अ बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। तो जो लेडी बर्ड बीटल होता है उसमें रेड एंड ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, लाइनिंग होती है ऊपर साइड, ठीक है। फीड ऑन एफिड्स व्हाइल ड्रैगन फ्लाई प्रे अपॉन अ मस्कीटो। तो जो एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मस्कीटोज को ले खाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो अगेंस्ट होते हैं प्रेडेटरी बर्ड्स या फिर प्रेडेटरी इंसेक्ट, उनको उनमें छोड़ दिया जाता है, तो वो जो इंसेक्ट जो हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप के लिए तो उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा एग्जर्ट बायो कंट्रोल ओवर सेवरल प्लांट पैथोजन। तो जो ट्राइकोडर्मा फंगस होता है जो कि फ्री लिविंग है, तो फ्री लिविंग फंगस है तो उसका यूज किस में होता है, बायो कंट्रोल के लिए, ठीक है। किसके लिए, बायो कंट्रोल एजेंट है एक, ठीक है। फिर देखिए, जो कि एक प्लांट पैथोजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकुलो वायरस मोस्टली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। तो जो बकुलो वायरस है वो कौन से जीनस से है, तो वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है, ठीक है। आर यूजफुली कंट्रोल इन मैनी इंसेक्ट अदर आर्थ्रोपोड्स विदाउट अफेक्टिंग नॉन टारगेट इंसेक्ट एंड एनिमल। तो जो बकुलो वायरस है वो किसके लिए हार्मफुल है, मतलब वो इंसेक्ट एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर केवल और केवल आर्थ्रोपोड्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। किसके लिए, आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है और अदर इंसेक्ट एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी चीज को, किसी इंसेक्ट को टारगेट करते हैं, ये नॉन टारगेट इंसेक्ट और एनिमल्स को हार्मफुल मतलब उनके लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर इज अ बैक्टीरिया बैसिलस ट्रोजनस। तो जो मतलब बायो कंट्रोल एजेंट जो भी माइक्रोबियल है, ठीक है, तो जैसे कि बटरफ्लाई का कैटरपिलर हो गया, बटरफ्लाई का कैटरपिलर हो गया, तो ये क्या है, इनमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि जिसका नाम है बैसिलस ट्रोजनसिस, ठीक है। क्या नाम है, बैसिलस ट्रोजनसिस, ओके, जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग डेवलप फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस। तो जो बायो कंट्रोल एजेंट, अभी मैंने बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन सा है, ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फंगस है, ठीक है। तो उसको किस में यूज किया जाता है, जब प्लांट डिजीज हो जाती है तो उसको उससे मतलब प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, इस फंगस का, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्री लिविंग फंजाई फाउंड इन अ रूट इकोसिस्टम। तो जो ये कैसा है, फ्री लिविंग है, ठीक है, फंजाई जो है फ्री लिविंग है, फाउंड इन अ रूट इकोसिस्टम, जो कि रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट में, ओके। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट एंड सेवरल प्लांट पैथोजेंस। जो मतलब जो भी प्लांट को हार्मफुल कर रहे होते हैं, जो भी मतलब इंसेक्ट हैं वो प्लांट को अगर डिसीज पहुंचा रहे होता है, तो ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट को डिसीज होने से बचाता है, कौन, ट्राइकोडर्मा, दिस इज अ फंगस, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, माइक्रोब्स एंड अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ड्यू टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर देयर इज अ क्लेमर टू स्टॉप देयर यूज, ठीक है। इसको देखिए,
जो भी केमिकल है, जो कि मतलब पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर की जो यूज किया जाता है, आप मतलब इसका यूज क्यों करते हैं? केमिकल का यूज आप क्यों करते हैं? केमिकल का हो गया, फर्टिलाइजर का हो गया, तो क्यों आप इसका यूज करते हैं? ताकि आप क्रॉप को हार्मफुल होने से बचा सकें, ठीक है, रोक सकें। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस विच डज नॉट यूज आर्टिफिशियल। ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि आप मतलब पेस्टिसाइड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बायो, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, क्या बोला जाएगा, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि पेस्टिसाइड के अगेंस्ट आप ये इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ सोइल बाय इनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस टू क्रॉप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जिसमें जैसे कि न्यूट्रिएंट, आप मतलब क्या होगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है ना सभी क्रॉप में, क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है सोइल में भी, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है किसके लिए, ताकि आप क्रॉप को इनहांस कर सकें, ठीक है, क्या कर सके, क्रॉप को एनहांस कर सके। तो सबसे मेनली जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ओके, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होता है क्रॉप में। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, अभी हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहे थे, तो अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल क्या है, एजोबैक्टर है, बैसिलस पॉलीमिक्सा है और क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर देखिए जो कि बायो फर्टिलाइजर के तरीके यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें आप एग्जाम्पल किसका देंगे, एनाबिना, नास्टॉक एंड सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है, क्या नाम देंगे, सिलेंड्रोस्पर्मम। नेक्स्ट देखिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइकैड रूट्स, लाइकेन, लिवरवर्ट्स, एजोला, तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि आपके मतलब सिम्बायोटिक है, मतलब कि आप सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, जो एक अगर दो दो लोग हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, यूजफुल हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक, ठीक है, क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल क्या है, माइकोराइजा, ठीक है, क्या नाम है, माइकोराइजा, इसके बारे में देखते हैं, इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। तो देखिए जैसे कि हायर प्लांट है कोई, ठीक है, क्या है, हायर प्लांट, तो हायर प्लांट के रूट में ये जाकर रूट में प्रेजेंट होते हैं कौन, माइकोराइजा, ठीक है, कौन प्रेजेंट होते हैं, माइकोराइजा। तो जब रूट में माइकोराइजा प्रेजेंट होता है तो माइकोराइजा जो होते हैं वो रूट को क्या देते हैं, अपने ऑर्गेनिक जो भी फूड होता है वो क्या, वो प्रोवाइड करते हैं किसको, रूट को, ठीक है, और रूट को लेते मतलब रूट में ही ये प्रेजेंट होता है माइकोराइजा, और ये क्या है, एक फंगस है, ठीक है, क्या है, फंगस है, जो कि रूट को रूट के लिए बेनिफिशियल है, और मतलब रूट के लिए माइकोराइजा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि माइकोराइजा जो होता है वो सोइल में प्रेजेंट चीजें किसमें पहुंचाता है, रूट को देता है, और रूट जो होता है वो वाटर जो है माइकोराइजा को देता है, ठीक है, तो ये क्या है, सिम्बायोटिक है, ठीक है, क्या है, सिम्बायोटिक। अभी मैंने बताया कि जो दो लोग होते हैं जैसे, तो वो एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फंगस इज ग्लोमस, तो अगर माइक्रोराइजर का एग्जाम्पल जैसे हम बता सकते हैं तो क्या है, ग्लोमस है, ठीक है, क्या है, ग्लोमस स्पीसीज है, ओके। फिर देखिए माइक्रोराइजर के बारे में देखते हैं, तो माइक्रोराइजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, तो माइक्रोराइजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोमाइक्रोराइजर एंड एंडोमाइक्रोराइजर, ठीक है, एक्टोमाइक्रोराइजर और एंडोमाइक्रोराइजर। तो एक्टोमाइक्रोराइजर जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं, पहले फंगस फॉर्म अ मेंटल ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट ऑफ हायर ब्रांच, जो रूट के सर्फेस पे, मतलब एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, तो रूट के जो बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्टोमाइक्रोराइजर, ठीक है। फिर देखिए उसमें रूट सेक्रेटेड शुगर, तो जो रूट होता है जिस रूट में माइक्रोराइजा प्रेजेंट होती है तो वो क्या सेक्रेट करते हैं, शुगर, ठीक है, क्या सेक्रेट करते हैं, शुगर एंड अदर फूड पार्टिकल्स सो दैट फंगस कैन फीड, तो वो जो फंगस होता है माइक्रोराइजा वो उस शुगर को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, एज अ फूड, ठीक है, समझ में आया। रूट जो होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, शुगर सेक्रेट करते हैं,
जो कि एक फूड पार्टिकल्स की तरह वर्क करता है, किसके लिए? फंगस के तरीके, फंगस के लिए, ठीक है। तो फंगस क्या करते हैं, शुगर को ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया एक्टोमाइकोराइजा। अब हम एंडोमाइकोराइजा की बात करते हैं। तो फंगस एंटर इनटू कॉर्टेक्स और द रूट, तो रूट के जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वहां पर फंगस जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंडोमाइकोराइजा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब रूट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखिए, टेक नाइट्रोजन प्लस पोटेशियम फ्रॉम सोयल, तो सोयल से ये नाइट्रोजन और पोटेशियम को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पार्ट माइकोराइजा के, टू पार्ट है, जो कि एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में होता है कि रूट सिक्रेट करती है शुगर, तो किसको देती है, फंगस को, ठीक है, एज अ फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट अगर एंडोमाइकोराइजा की बात करेंगे तो पोटेशियम एंड नाइट्रोजन जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट जो है किसको देगी, फंगस को, ठीक है, किसको देगी, फंगस को, ओके। तो रूट जो है वो नाइट्रोजन पोटेशियम को सोयल से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और किसको प्रोवाइड करती है, फंगस को, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।